कहीं राशन की बोरी उठाते बच्चे तो कहीं भारी भरकम सिलेंडर उठाते बच्चे। जी हाँ, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे मासूमों से मजदूरी कराई जा रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जालिमों को जो मासूमों से अपना या संस्थान का काम कराते हैं। तपती दोपहरी के बीच ये बच्चे अपनी कक्षा में ना होकर सड़कों पर सामान ढोने का काम कर रहे हैं। अरे जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथों में बोरे और सिलेंडर हैं। सरकारी स्कूलों की पोल खोलने वाली ये तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर से सामने आई हैं, जहां प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से अनाज से भरे हुए बोरे और गैस सिलेंडर उठवाए जा रहे हैं। मतलब जो माता पिता घर से अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, जो ये सपना देखते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, सोचिए उन पर क्या बीती होगी जब उन्होंने ये वीडियो देखी होगी। अब सिलसिलेवार तरीके से ये वीडियो देखिए, जिसमें स्कूल ड्रेस पहने चार स्कूली बच्चे अनाज से भरी एक बोरी उठाकर ले जा रहे हैं। पास में एक सफेद रंग की जीप खड़ी है। चारों बच्चे बोरी उठाकर ले जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बोरी बहुत ज्यादा भारी है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए, जिसमें सड़क किनारे चार बच्चे खड़े हैं। उनके पास दो साइकिलें हैं और उनमें से एक साइकिल के कैरियर पर सिलेंडर रखा है, जबकि दूसरी पर उसे रखने का प्रयास किया जा रहा है। साइड से लोग अपने वाहनों से गुजर रहे हैं, लेकिन कुछ ही पल में रखा हुआ सिलेंडर गिर जाता है। उसके बाद तीनों बच्चे अपने साथी की मदद करने के लिए आते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद सिलेंडर को वापस चढ़ा देते हैं। फिर कुछ ही देर में दूसरी साइकिल पर भी सिलेंडर रख कर आगे निकल जाते हैं। दो साइकिलें, इतने ही सिलेंडर और चार बच्चे। समीकरण कुछ यूं बैठता है कि दो बच्चे अपनी अपनी साइकिलों के हैंडल पकड़ते हैं और बाकी के दो पीछे कैरियर पर रखे सिलेंडर को पकड़े रहते हैं ताकि वो गिर ना जाए। कल्पना कीजिए उस पीड़ा को जो वीडियोस में दिख रहे बच्चों को हो रही होगी। कौन विद्यालय बच्चे हैं आप लोग बाबू? कौन विद्यालय बच्चे हैं आप लोग? हैं स्कूल का क्या नाम है? कहाँ पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है ये? मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो प्रशासन की तरफ से भी संज्ञान ले लिया गया। सुनिए क्या कहना है उनका। कल एक वीडियो वायरल हुई थी, उसका संज्ञान लिया गया। वो वीडियो कंपोजिट विद्यालय मुकोचवा नगर क्षेत्र का था। उसमें तत्काल प्रधानाध्यापक से उसमें वार्ता की गई कि मामला क्या है, तो उसने बताया कि स्कूल का जो फोर्थ क्लास है उसको भेजा गया था सिलेंडर आने के लिए, दो बच्चा भी ले गया था साथ में। तत्काल उस पर प्रधानाध्यापक की आख्या ली गई, साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी संस्तुति करके बताया कि प्रथम दृष्टया साक्षर जो है दोषी है, उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कल कर दी गई। देश की शिक्षा प्रणाली का एक कड़वा सत्य है कि यहाँ पैसे की इज्जत होती है। जरा सोचिए, यही घटना अगर किसी प्राइवेट स्कूल में होती तो हंगामा उठ जाता, अभिभावक सड़कों पर उतर आते, स्कूली प्रशासन माफीनामे भेज रहा होता। लेकिन मामला चूंकि सरकारी है तो औपचारिकता और निलंबन के दायरे में ही सिमट कर रह जाएगा। एक मिनट ठहर कर सोचिए कि क्या हमारे यहाँ शिक्षा में दोगली नीति और नियत से काम नहीं होता है।